एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। दर्शकों, सोने के बाद सबसे मूल्यवान धातु चांदी होती है। चांदी की कीमत सोने की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए वह लोगों के लिए बहुत सुलभ होती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में कई नग चांदी में पहनने की सलाह दी जाती है। यह नग चांदी में बेहतर परिणाम देते हैं। इतना ही नहीं, चांदी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही उत्तम है, इसीलिए ज़्यादातर मिठाइयों में चांदी का वर्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए मित्रों, आपको मैं चांदी के कुछ विशेष उपाय बताता हूँ। पहला उपाय इस प्रकार है, एक चांदी के सिक्के या चांदी के टुकड़े को लाल कपड़े में बांध लें। इसके बाद इस लाल कपड़े में लपेटे हुए चांदी के टुकड़े को घर के वायव्य कोण में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, एक मिट्टी के बर्तन में रख दें। इसके बाद इस मिट्टी के बर्तन को चावल या गेहूं से भर देना है। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन होगा। दूसरा उपाय है, पहले के समय में सबके घर में चांदी के बर्तन का उपयोग होता था। समय बदलने के साथ चांदी, पीतल या कांसे के बर्तन की जगह स्टील ने ले ली है। चांदी के बर्तन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही उत्तम होते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख एवं संपन्नता भी आएगी और आप सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तीसरा उपाय है, चांदी के उपयोग से आपके घर में सुख शांति और प्रपन्नता आती है। जो लोग नौकरी करते हैं उनका चांदी के उपयोग से प्रमोशन हो सकता है। जो लोग व्यवसाय करते हैं उन्हें अपनी जेब में चांदी से बना हुआ हाथी रखना है। इससे व्यापार में उनको बहुत ही सफलता मिलेगी और उनकी समृद्धि में भी बढ़ोतरी होगी। अगला उपाय आरोग्य के बारे में है। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, चांदी के तार में पिरोया हुआ गोमती चक्र आपको रोगी के पलंग पर रोगी के सिरहाने बांध देना है। इससे वह रोगी जल्द ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, Dish TV और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।